हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका आरईडी फॉर फिटनेस में और मैं हूं अभिनव टोंग। आज के वीडियो का टॉपिक है एरोबिक और एन एरोबिक एक्सरसाइजेस के बीच का डिफरेंस। तो अगर हम एरोबिक और एन एरोबिक टर्म को देखें तो एरोबिक वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एन एरोबिक वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब हम जैसे एरोबिक एक्टिविटीज़ देखते हैं जो कि हुई रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हाई ड्यूरेशन और लो इंटेंसिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एन एरोबिक एक्टिविटीज़ देखें जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, पावर लिफ्टिंग हो गई या स्प्रिंटिंग हो गई, तो ये हाई इंटेंसिटी और लो ड्यूरेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं। इनमें एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स हो रहा होता है बॉडी में, तो मूवमेंट्स इतनी हाई इंटेंसिटी के होते हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी जो है दूसरे सिस्टम पे रिलाई करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो लेना बंद कर दें क्योंकि एनएरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एनएरोबिक में जब हाई इंटेंसिटी हो जाती है तो ऑक्सीजन के बगैर भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो आइए एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने और बेहतर तरीके से एरोबिक और एन एरोबिक एक्सरसाइजेस को और इनके बीच के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। तो हम बात कर रहे हैं एरोबिक और एन एरोबिक एक्सरसाइजेस की। तो एरोबिक एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी की होती हैं, हाई ड्यूरेशन की होती हैं और ये हमारे इंड्योरेंस को बढ़ाती हैं, जबकि एन एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो हाई इंटेंसिटी की होती हैं, लो ड्यूरेशन की होती हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। अब एरोबिक टर्म का मतलब मैंने जो बोला था आपको, जिस चीज़ में ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो एरोबिक होती हैं। तो एरोबिक जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि एनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब एक बात यह आती है कि जब हम ऑक्सीजन, हमेशा हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, राइट, तो सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज में ही ऑक्सीजन क्यों यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एंड एरोबिक में क्यों यूज नहीं होता? तो वो इसलिए होता है जब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिस रेट से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है क्योंकि हम इतने एक्सप्लोजिव मूवमेंट कर रहे होते हैं कि ऑक्सीजन की वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। तो उस कारण से हमारी बॉडी में लैक्टेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हम आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी उस वक्त एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। तो यही कारण है जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है अपनी बॉडी में, राइट, वो लैक्टेट फॉर्मेशन की वजह से फील होता है। एक चीज़ ये है कि जो इंटेंसिटी होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ड्यूरेशन की। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्केल बनाता हूँ, टाइम स्केल, ये इसे आप टाइम बोल सकते हैं, टाइम लाइन, ये जो एक्सेस है टाइम एक्सेस और टाइम ऑफ एग्जॉशन, तो 0 सेकंड से लेके जो 2 मिनट तक की सारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो एनएरोबिक होती हैं, और जो 2 मिनट से बाद की एक्सरसाइज होती हैं वो सारी एरोबिक होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 मिनट आपने वॉक कर लिया तो वो एनएरोबिक एक्सरसाइज हो गई, नहीं, आप अपनी पूरी क्षमता से जो एक्सरसाइज करते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर, उन एक्सरसाइजेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन एक्सरसाइजेज में क्या क्या आता है, स्प्रिंटिंग आती है जो आप दौड़ लगाते हैं 100 मीटर की या 400 मीटर की, तो वो एनएरोबिक हो गई, या आप एकदम हैवी वेट से जो चेस्ट प्रेस मार रहे होते हो या डंबल कर्ल्स कर रहे होते हो वो सारी एनएरोबिक होती हैं, और जबकि एरोबिक जो होती हैं वो ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग जो हो गई वो एरोबिक में आती है। अब एरोबिक एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो होता क्या है बॉडी में, तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और ये ब्रेकिंग होने का जो पार्ट होता है इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो
तो जब ये पाइरूवेट ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जो हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं उस ऑक्सीजन के साथ मिल के ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम ब्रीद आउट कर देते हैं बॉडी से, वाटर बनाता है और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये केस हो गया एरोबिक में। एन एरोबिक में जो है आपके मूवमेंट्स इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की, तो जो जो पाइरूवेट होता है वो पाइरूवेट डायरेक्टली उसकी फर्मेंटेशन होती है और वो लैक्टेट फॉर्म करता है और यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में देखें तो जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है, यहाँ पे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से हमें एनर्जी मिलती है, जिसमें कि ऑक्सीजन यूज़ होता है, और जो एन एरोबिक एक्सरसाइजेज हुई इसमें दो तरीके के एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट जो होता है एटीपी सीपी सिस्टम, यहाँ पे सीपी का मतलब है क्रिएटिन फॉस्फेट, और सेकंड वाला हो गया एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो हमने देखा था, जहाँ पे लैक्टेट बन रहा था। तो इस वाले केस में लैक्टेट फॉर्म होता है, इस वाले केस में एटीपी सीपी सिस्टम में नो लैक्टेट फॉर्म्स। तो जो नो लैक्टेट मींस लैक्टेट इज एब्सेंट, जो है लैक्टेट जो यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसे हम बोलते हैं एलैक्टिक एन एरोबिक। तो यहाँ पे लैक्टेट बन रहा है तो ये सीधे सीधे हो गई लैक्टिक एन एरोबिक। फिर वही स्केल बनाते हैं, टाइमलाइन का स्केल जो हमने बनाया था, तो 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 मिनट्स। तो इस स्केल पे जो है एक्चुअली होता क्या है कि जो बॉडी है वो एरोबिक और एनएरोबिक एनर्जी सिस्टम जो होती है ना, वो साथ के साथ यूज़ करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन सी प्रीडोमिनेट कर रहा है एनर्जी सिस्टम वो मैटर करता है। तो 0 से 10 सेकंड के बीच में एटीपी सीपी सिस्टम प्रीडोमिनेट करता है, 10 सेकंड से 2 मिनट्स के बीच में हमारा लैक्टिक एनएरोबिक डोमिनेट करता है। तो ये तो बात हो गई एनएरोबिक की, जो कि मैंने बोला था 0 से 2 मिनट्स की एक्सरसाइजेस सारी एनएरोबिक होती हैं। अब 2 मिनट्स के बाद जो है वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ही बचा, तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रीडोमिनेट करता है। एटीपी सीपी सिस्टम की बात करें तो कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं, तो इसमें आ गई 100 मीटर की स्प्रिंट या पावर लिफ्टिंग, और लैक्टिक एनएरोबिक के क्या हो गए एग्जांपल, वो हो गए 400 मीटर की स्प्रिंट, या रेगुलर आप जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो सब। और एरोबिक में तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एनर्जी सिस्टम यूज़ करते हैं। तो यही पूरा कंसेप्ट था एरोबिक और एनएरोबिक जो टर्म होती है उसके पीछे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है एरोबिक में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है एनएरोबिक एक्सरसाइज में। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ कि अब आपको एरोबिक और एनएरोबिक एक्सरसाइजेस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल RED फॉर फिटनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।